मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड पे और हमारे सामने खड़ी हुई है इंटरसेप्टर पैरेलल ट्विन 650। ठीक है, आज मैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करूँगा, इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा, इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ रॉयल आगरा रॉयल एनफील्ड पे। अगर आपको यहाँ पे आके बाइक चेकआउट करनी है तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज भी देखने को मिल जाएंगी, जैकेट्स देखने को मिल जाएंगी, सारे एक्सेसरीज देखने को मिल जाएंगी, सीट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आके आप इस आउटलेट को चेक करिएगा रॉयल एनफील्ड को, वापस आते हैं अपनी बाइक पे। अब बाइक की बात करते हैं। तो मेरे हाथ में इसकी लगी हुई है चाबी, तो इस तरह की आपको कुछ इसमें चाबी देखने को मिलती है, देख सकते हैं आप। मैं इसको चाबी को लगा देता हूँ, देखिए पूरा मीटर इसमें स्वाइप अप करेगा। पहले आपको एनालॉग आपके टैकोमीटर वाले उसमें साइड पे मिलेगी और दूसरी तरफ आपको जो है स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। स्पीडोमीटर में जो है आपको 200 तक की मार्किंग देखने को मिलती है। इसमें आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा और 2.4 किलोमीटर में आपको मार्किंग अभी देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेलोजन लाइट। हेलोजन लाइट में नीचे आपको जो एक पार्किंग वाली जो है LED में सेटअप देखने को मिलता है। अगर मैं वही बात करूँ इसमें आपको, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे हेलोजन में इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। तो सबसे पहले इसका इंटरसेप्टर 650 CC ट्विन्स का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें इसका मतलब है आपको इसमें पैरेलल ट्विन वाला जो है इसमें इंजन देखने को मिलता है। 648 CC ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी पावर फिगर की बात करूँ तो पावर फिगर इसके कुछ इस तरह के रहते हैं। 43 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, उसके साथ आपको मिलेगी इसमें 53 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये जो गाड़ी है ना, ये सेकंड इंडियन बाइक थी जिसमें पैरेलल ट्विन देखने को मिला था। मतलब कि इससे पहले जो आती थी इसमें आपको देखने को मिलता था पहले कॉन्टिनेंटल GT में। ठीक है, उसके बाद अब जो है इंटरसेप्टर में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद आपको जो मिलेगा सुपर मिटियोर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करें इसमें आपको कुछ हैंडल्स की, तो कुछ इस तरह के इसमें हैंडल बार देखने को मिलेगा। अब जो है इसमें वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, वैसे BS6 आने के बाद जो है रिफाइंड इंजन और भी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, वाइब्रेशंस मिनिमम हो चुकी है, लेकिन वो हैंडल पे फील ना हो तो उसके चक्कर में यहाँ पे एक आपको बार भी दे दिया गया, जिससे जो है आपकी जो वाइब्रेशंस है उसको और कंट्रोल कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे बटन देखने को मिलेंगे, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर्स हॉर्न। उसके बाद अगर मेजर की साइड बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक किल स्विच, यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट स्टॉप करने का सेल्फ स्टार्ट का बटन। आपको यहाँ पे जो है कुछ सिल्वर फिनिश में जो आपको लीवर्स देखने को मिलेंगे क्लच के और ब्रेक के, एनालॉग फुली एनालॉग यहाँ पे आपको पूरा मीटर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर बहुत ही शाइनी सा एकदम इसमें प्रीमियम सा लुक दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है ग्रिप बनाने के लिए स्पेस मिलता है टैंक पे। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग लगी हुई है बड़ी बड़ी सी, बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है इंजन हीट होने के चक्कर में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे आपके पैर ना चले उसके लिए यहाँ पे गार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल रहा है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर की बैजिंग, 650 की बैजिंग देखने को मिलेगी। अगर आपको मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ तो ये जो क्रोम वाले जो इसमें साइलेंसर लगे हुए हैं, जो इसका एग्जॉस्ट है, बहुत ही प्यारा लगता है। एक जो है इसमें लुक्स में जो है एक प्लस पॉइंट देता है। ये दो आपको इसमें साइलेंसर देखने को मिलेंगे। अगर मैं पीछे से दिखाता हूँ तो देखिए ट्विन है, तो उसमें आपको दोनों तरफ एक एक एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। पीछे की टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जो है हेलोजन का यूज़ करने को देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको हेलोजन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको हेलोजन देखने को मिलता है, सारी गार्ड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके शॉकर्स की, तो इसमें जो आपको ट्विन कॉयल कवर वाले इसमें शॉकर्स देखने को मिलेंगे पीछे, और फ्रंट में आपको जो है USD फोक्स मिलेंगे, 41 mm के फ्रंट फोक्स देखने को मिलते हैं इसमें आपको। अगर मैं फ्रंट में आपके डिस्क की बात करूँ तो ये जो मिलेगी आपको 340 mm या 320 mm की, इसमें आपको फ्रंट की डिस्क देखने को मिली, जिसमें आपको ABS का भी यूज़ देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपको देख रहा हो तो ये ABS का रिंग लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा 100, 90, 18 इंच का इसमें आपको फ्रंट का टायर देखने को मिलता है। इसमें अलॉयस का यूज़ नहीं किया गया, ये स्टील रिम वाला आपको इसमें व्हील देखने को मिलता है। अभी अगर मैं पीछे के टायर साइज़ की बात करता हूँ तो पीछे भी आपको जो है स्टील रिम देखने को मिलेगा, और अगर इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो वो टायर साइज मिलेगा आपको 130/70/18। पीछे का जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है 130/70/18। इसमें ही पीछे भी आपको 18 इंच का ही टायर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके आपके टैंक कैपेसिटी की, तो टैंक कैपेसिटी की बात करी जाती है, मिलेगी आपको 13.7 लीटर्स की इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने मिलेगी। और रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है कि ये जो माइलेज देती है वो देती है आपकी 31 KMPL का, बहुत ही सटीक माइलेज लग रहा है मेरे को इसकी साइज़ और इसके इंजन स्पेक्स के हिसाब से। 648 CC के इंजन होने के बाद भी 31 का माइलेज नॉट बैड, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर मैं सीट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी सी इसकी सीट है, मतलब कंफर्टेबल सीटिंग राइड पोजीशन आपकी रहने वाली। एक जो कैटेगरी जो रहती है इसकी कैफे स्ट्रीट राइडिंग बाइक्स पर आती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसमें आपका दूसरी तरफ का, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इसका दूसरी तरफ के लुक्स रहने वाले। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो भी ब्रेक लीवर्स हैं और जो गियर लीवर्स हैं
उनके ऊपर आपको रबर देखने को मिलेगी और ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए, ठीक है। फुटरेस्ट पे भी आपको यहाँ पे देखिए रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे भी पीछे भी आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक गार्ड मिलेगा जिससे आपके पैर नहीं चलेंगे। कुछ एक्सपोज चीज़ें दिख रही है यहाँ पे आपको, थ्रॉटल बॉडी देखने को मिल जाएगी, देखिए आपको एक्सीलेटर की वायर्स जाती दिख रही होंगी, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका दूसरी तरफ का लुक रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें आपको तो डुअल चैनल आपको एबीएस देखने को मिलता है आगे पीछे, फ्रंट में आपको 320mm और 340mm की डिस्क देखने को मिलती है, और पीछे की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगी 240mm की डिस्क। पीछे भी आपको यहाँ पे एबीएस का सेटअप देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको रिंग दिख रही होगी एबीएस की। तो कुछ इस तरह का इसका पूरा ओवरऑल लुक है, पूरी गाड़ी में कुछ इस तरह का सिस्टम रहने वाला है। अगर मैं इसकी बाइक की प्राइसिंग की बात करूं, अगर ये आगरा में आपको ऑन रोड प्राइस इसकी पड़ती है 3.57 लाख, ये जो बाइक है आपको ऑन रोड पड़ेगी आगरा में रॉयल एनफील्ड रॉयल आगरा पे पड़ती है 3.57 लाख की। और अब मैं इसके वेट की बात करूं तो वो वेट रहने वाला है इस पूरी बाइक का 202 किलो, बाइक हैवी साइड पर रहने वाली है बाइक। तो ये था कुछ मेरा ओवरऑल रिव्यू पूरी गाड़ी को लेके। हाँ एक चीज़ बात इसमें आपको मैं बता दूँ, इसमें आपको 6 गियर देखने को मिलेंगे, एक नीचे 5 ऊपर, कुछ इस तरह का इसमें गियर्स का सेटअप रहने वाला है। चेन ड्राइव मिलेगी आपको, और यही था कुछ पूरा ओवरऑल रिव्यू। और हाँ एक चीज़ और रहेगी इसमें आपकी, ये जो है ऑयल और एयर कूल दोनों इसमें देखने को मिलता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑयल कूल एयर कूल दोनों का मिक्स रहने वाला है। डुअल हॉर्न का सेटअप देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा मैं इस बाइक के बता देता हूँ आपको, तो इसकी ये कुछ एक्सेसरीज लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं इसका काउल रखा हुआ है, कलर से मैच करता हुआ उसका पीछे का काउल है, शॉर्ट सीट है, उसके बाद ये कुछ इसके गार्ड्स हैं, 48 की बैजिंग, उसके बाद फुट रेस्ट आप अपने हिसाब से कस्टमाइज वाले लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की इसमें सारी एक्सेसरीज है, ये सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा आपको रॉयल आगरा पे, रॉयल आगरा रॉयल एनफील्ड आउटलेट है जो है आपका नियर गुरु का ताल। आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं इस बाइक को। अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बाइक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।